चलो दीदी, पूजा तो अच्छे से निपट गई, अब कुछ खा लेते हैं। हाँ, और आपने पूजा रखवाई क्यों थी? खाने पीने के लिए तो रखवाई होगी, अब खा ही लो। वैसे आपकी मम्मी दिख नहीं रही है, लगता है मुंह बना के फिर से घर चली गई है। हाँ, आज तो कुछ ज्यादा ही मुंह बना रखा था। चलो हम कुछ खा लेते हैं। चलो ठीक है ठीक है। आप वो मैं बोल रही थी मेरे लिए प्लेट ले आती है, लेकिन पहले खुद खाने निकल गई, पड़ गई थी। एक काम करती हूँ, पहले पूड़ियाँ ही खा लेती हूँ। तो पूड़ियाँ ही ठंडी हैं। भैया भाई, भैया, अरे दीदी वो कोई है नहीं क्या यहाँ पर? क्या हो गया? पूड़ियाँ ठंडी पड़ रही हैं। पूड़ियाँ ठंडी पड़ रही है क्या मतलब है? जो है वो खा लो, वो फटाफट बना रहे हैं ना, हाथ के हाथ निकल जाए तो ठीक है। दीदी आप इतना बड़ा शेफ रखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा पहुंचा। थैंक यू दीदी, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? थोड़ी देर बैठो। मैं तो कितने टाइम से बैठी, मैं इनसे बात ही नहीं हो पाई ना। मैंने तो कर ली बात और बात भी करी, क्योंकि मैंने आज तक इनकी वीडियो ही देखी पर ये नहीं देखी। थैंक यू। देख ली ना आपने, अच्छी लगी? थैंक यू। मेरी नजर है बहुत अच्छी, वैसे बहुत अच्छी। ठीक है, नमस्ते। दीदी इतना बड़ा कुक रखे हैं हमने और गरम गरम खाना भी ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो वो गरम गरम बना के लेके आए थे ना, अब आपने गरम गरम नहीं खाया तो इसमें आपकी गलती है। अब जैसा है खा लो यार, मैं तो राइस खाने वाली हूँ, वो गरम है और मीठे में दो दो चीजें हैं, जल्दी चलो वरना सब खत्म। बड़ी भुक्का ना फिर निकल गई, मैं भी निकलती हूँ। ये लो भैया, पहले आप खा लो गुलाब जामुन, आपने इतनी मुश्किल से बनाया है। सबसे पहले तो मैं मीठाई खाऊंगी, क्योंकि शादी में हमेशा मीठाई खत्म होता है पहले। दीदी कहाँ रह गई, आ जाओ। क्या खा रही हो पहले आप? गुलाब जामुन, देखो कितने बड़े बड़े और कितने ताजा ताजा है। अरे गाजर का हलवा तो देखो, कितनी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। मैं तो कह रही हूँ हम ड्राई फ्रूट छांट छांट के निकाल लेते हैं और अपने घर में बना के डालेंगे। पागल हो गए, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, क्या समझेंगे हमारे बारे में? अरे तो हमारे घर की तो पार्टी है, क्या हो गया? हमारे घर की पार्टी तभी तो, अगर दूसरे के तो हम उसको चुरा के भी लेके जाते। अब सुनो, यही खाना ना 3 दिन तक चलना चाहिए। 3 दिन तक? आप क्या पागल हो? मैं इतना बाहर से खाना नहीं खाती ठंड में, आपको पता है ना मैं किस खानदान की हूँ। अरे ये ठंड में खाना खराब नहीं होता, एक एक हफ्ता चलता है, तभी मैं आपको 3 दिन कह रही हूँ। जी क्या कर रही हो? अरे चुप रहो ना, कोई भी नहीं देख रहा, अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अरे वो पीछे लड़का देख रहा है हमें। बेटा मत देखो प्लीज। अरे एक तो बच्चा ही है, इसको तो मैं बहला फुसला दूंगी, 10 रुपए दे दूंगी इसको मैं। मैं तो इनके साथ खाना नहीं खा सकती, कितनी बदतमीज है ये, अपनी पार्टी से चोरी कर रही है। ये कोई देख रहा होगा तो क्या बोल रहा होगा। चलो भाभी मेरे पर ले आइए। दीदी शायद आप भूल रहे हो, ये हमारी पार्टी है। अरे हाँ पार्टी तो हमारी है, पर कोई ना, हम इसे किसी और में भी डाल देंगे। देखो कितना सारा निकाल लिया मैं। पागल हो गई हो क्या? लखन का है, मैं लखन के पास जा रही हूँ। अरे सुनो तो भाभी। कोई नहीं, मैं तो इसे अपने हलवे में डालूंगी और अकेले ही खा लूंगी। अरे दीदी ये पार्टी किसकी है? मेरी पार्टी है। आपकी पार्टी तो चुरा क्यों रही हो? आप तो बहुत बड़ी चोर निकली। करा नहीं बेइज्जती, अपनी ही पार्टी में अपनी बेइज्जती कौन करवाता है भला? हे भगवान, क्या फूटे गरम थे जो आपके घर में आई मैं। मजाक कर रही हूँ दीदी, आप कुछ खा लो, ये सब बंद कर दो। इसको छुपा के जाती हूँ, इनके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। चलती हूँ।